सो आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि आप लोग ये जानना चाहते हैं कि अगले दिन मार्केट कहां की तरफ करवट ले सकती है, आने वाले टाइम में मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, क्या एग्जैक्ट डेटा देखकर ये पता लगा सकते हैं आप, वो आज आप सीखने वाले हैं। सो ये वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को विद वन एंड ओनली मिस्टर शुभम अग्रवाल। थैंक यू पुष्कर जी। और ये वीडियो में हम लोग आज बिल्टअप देखेंगे कि बिल्टअप जो पूरा थ्योरी है, मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताता हूँ कि बिल्टअप होता क्या है। जब मैं इंट्रोड्यूस हुआ था ये कंसेप्ट से तो मेरा भी क्वेश्चन बहुत कॉमन था, जो आई थिंक बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि अगर किसी ने खरीदा है तो किसी ने बेचा है, नहीं तो सौदा तो हुआ ही नहीं, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि लॉन्ग हुआ कि शॉर्ट हुआ। और बहुत बड़ा फैक्टर है ये डेरिवेटिव डेटा की जब हम बात करते हैं, ये स्टडी कम से कम 15 साल से तो मैं ट्रैक कर रहा हूँ और उसके पहले से भी लोग कर रहे हैं, मतलब जिसने इनफैक्ट मेरी टीम में जो अभी भाविन जो हमारा कंटेंट देखता है और जो एप्लीकेशन देखता है उससे मैं इंट्रोड्यूस हुआ था ये कंसेप्ट में, और मेरा भी क्वेश्चन उसको यही था और वो तो बहुत पहले से इस चीज़ को फॉलो कर रहा था। तो ये एक ऐसा स्टडी है जो पिछले 15-20 साल से चल रहा है और आज भी चल रहा है। बहुत कम स्टडीज मैंने देखा है अपने लाइफ में जो 3 साल का बैरियर के बियॉन्ड जाए, और ये एक वैसा स्ट्रैटेजी है क्योंकि एक बेस फंडामेंटल है इसके अंदर कि कौन कंट्रोल में। तो मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ। अगर कोई ट्रेड हुआ और भाव बढ़ गया, मतलब भाव बढ़ता जा रहा है और ओआई आता जा रहा है, ओआई का जो कंसेप्ट है वो बेसिक कंसेप्ट है कि अगर एक नया बायर और एक नया सेलर अगर साथ में आते हैं तो एक ओआई बढ़ जाता है, ठीक है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं सिस्टम में। तो अगर भाव बढ़ता जा रहा है और उसके बाद भी बायर जा करके कंटिन्यूसली बाई करता जा रहा है, अगर लेट्स से कोई एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका 100 रुपया पे भाव चल रहा है और मैंने बोला चलो 100 रुपया पे दे दो, अब भाव हो गया 101, मतलब सेलर बोल रहा है यार बेचने में रिस्क लग रहा है, नहीं बेचते, महंगा मिलेगा तो अच्छा भाव मिलेगा तो बेचेंगे, और बायर बोलता है ठीक है 101 पे दे दो, फिर 102 पे सेलर बोलता है नहीं अब मेरे को 102 चाहिए, इसमें रिस्क बहुत ज्यादा लग रहा है, और बायर फिर बोलता है कि चलो 102 पे दे दो, तो कौन कंट्रोल में? बायर कंट्रोल में, बायर एग्रेसिव है। तो ये पूरा जो डेरिवेटिव का जो बिल्टअप का जो डेटा है इसमें हमको एक कॉमन क्वेश्चन को आंसर करना है कि हु इज इन कंट्रोल। तो ऐसे 4 सिनेरियो टोटल हो सकते हैं। एक है लॉन्ग बिल्टअप जिसका मतलब होता है कि प्राइस बढ़ा, ओआई भी बढ़ा और लॉन्ग पोजीशंस बन रही हैं, लॉन्ग पोजीशन सिस्टम में बनती जा रही है। दूसरा होता है शॉर्ट सिस्टम में डेवलप हो रहा है का मतलब है कि प्राइस गिरा ओआई बढ़ा, तो शॉर्ट सारे सिस्टम में मतलब लोग आकर के और बेच रहे हैं, न्यू पोजीशन बेच रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं और किसी भी भाव पे बेच रहे हैं, राइट। अब एक बहुत बड़ा कंसेप्ट आता है कि प्रॉफिट बुकिंग और डाउन ट्रेंड में कोई फर्क होता है क्या? बहुत प्रॉफिट बुकिंग में भी बाजार नीचे जाता है और जब हम बोलते हैं कोई चीज में डाउन ट्रेंड है तो भी बाजार नीचे जाता है, तो फर्क क्या है? तो डाउन ट्रेंड में लोग शायद फियर में बेच रहे हैं और प्रॉफिट बुकिंग में मतलब प्राइस ऊपर गया, प्रॉफिट बुक हुआ तो थोड़ा सा प्राइस नीचे आया और उसके बाद दोबारा से बेसिकली हो सकता है अप ट्रेंड कंटिन्यू हुई हो। एग्जैक्टली, तो आपने जो बोला उसी को मैं थोड़ा सा खाली एक दो वर्ड में लेकर के आता हूँ समराइज, जैसे पुल बैक हो जाता ना। हाँ हाँ, तो प्रॉफिट बुकिंग टेम्पररी है, राइट, वेर एज डाउन ट्रेंड परमानेंट है, टिल न्यूटन का लॉ था ना, एवरी थिंग विल रिमेन देयर अनलेस एंड अनटिल समथिंग कम्स एंड मूव्स इट, राइट राइट। तो वही चीज वहां पे जाकर के अप्लाई होता है, डाउन ट्रेंड विल रिमेन देयर टिल अ रिवर्स फोर्स कम्स एंड मूव्स इट, राइट, व्हिच मींस दैट कॉन्ट्रा डेटा बिल्ड होना चालू। तो इसीलिए पुल बैक एज अ रूल मैंने अपने लाइफ में फॉलो किया है कि पुल बैक कभी मैं ट्रेड नहीं करता। You not trade the pullback. Oh, okay. But you trade after the pullback, right? I'll trade after the pullback, right? But I'll never trade the pullback. मतलब अगर आप एक तेजी के बाजार में बोलोगे जाकर के शॉर्ट कॉल ले लो क्योंकि आज गिर रहा है, मैं नहीं लूँ। या अगर एक मंदी के बाजार में आप बोलोगे जाकर के खरीद लो क्योंकि बाउंस बैक होने वाला है, मैं नहीं लूँ। आप अगेंस्ट दैट ट्रेंड नहीं जाने वाले और वही करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो वो भी राइट वही है। तो ये जो पूरा थ्योरी है, अब ये दो टर्मिनोलॉजीज और आ जाते हैं कि अगर बाजार में ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है, मतलब पुराने जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अनवाइंड हो रहे इस, और प्राइस नीचे आ रहा है, मतलब क्या है कि जो लोग ने पहले खरीदा था वो लोग अब स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, जो लॉन्ग अनवाइंडिंग बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग। और लास्ट जो फोर्थ जो आप लोगों के लिए है कि लॉन्ग अनवाइंडिंग मींस सिंपली प्रॉफिट बुकिंग, अभी वो आपको दिखाएंगे भी, राइट। और लास्ट जो फोर्थ जो टर्मिनोलॉजी है वो है शॉर्ट कवरिंग, जिसका मतलब है कि पहले मैंने शॉर्ट किया उसके बाद अब मुझे लगता है कि बहुत पैसे बन गए या तो नहीं बने जो भी है,
मैं शॉर्ट काटना चाहता हूं, तो फिर उसके चलते भाव बढ़ रहा है और ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है, इसको हम कहते हैं शॉर्ट कवरिंग। तो ये चार टर्मिनोलॉजी राइट। बहुत सारे लोग बिजनेस मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, बुक्स में, बहुत जगह पढ़े होंगे ये चीज। यहाँ पे छोटा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि एक दिन का डेटा देख के अगर हम सोचे कि बाजार के बारे में हमको पता चल जाए कहाँ जाने वाले, मेरे हिसाब से कम 3-4 दिन का डेटा देख के ही एनालिसिस कर सकते हैं। 3-4 दिन, मैं तो बोलूंगा 20 दिन। ओ, एक साइकिल जो आप एक एक्सपायरी देखते हैं उसमें 20 दिन का डेटा, 20 ट्रेडिंग डे होगा, तो 20 बार अगर नहीं दिखे, और अगर आप पोजिशनल ट्रेड ले रहे हैं, लेट्स से 1 महीना 2 महीने के लिए अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं, तब तो फिर 3 महीना 60 दिन का ट्रेड आपको देखना पड़ेगा। अरे तो ये जब हम बंच ऑफ डेटा देखते हैं तब कंसेप्ट चेंज होता है, और कंसेप्ट को हम बोलते हैं साइकिल्स। राइट। तो साइकिल्स का मतलब ये है कि हम एक दिन का डेटा के बेसिस पे ये नहीं बोल रहे, अगर आज लेट्स से इतना चर्चा में अदानी, अगर अदानी एक दिन ऊपर चला जाए और हम बोले ये तो ट्रेंड रिवर्सल हो गया, वो कई लोग बोलते हैं लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो हो सकता है हो जाए, आई एम नॉट सेइंग, नहीं नहीं, अभी जब हम वीडियो बना रहे हैं तब तक ऐसा नहीं है। जब हम वीडियो लोग हो सकता है 10 दिन बाद देख रहे हो, तब का बाजार क्या है वो आप आज देख के पता लगाएंगे बिल्कुल। तो आइडिया ये क्या हो सकता है वो भी आपको बताएंगे कि कैसे पता लगेगा, कैसे पता लगेगा कि क्या क्या हो सकता है, क्योंकि लोग पूछते हैं अब क्या होगा, तो वो आप खुद से एनालिसिस कीजिए। राइट। तो कैसे हम पता करें, जो एक कॉमन क्वेश्चन है, जब आपके कोई मित्र आपको मिलेंगे जो कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, सबसे पहले आपका हालचाल नहीं पूछते, वो पूछते हैं बाजार क्या लग रहा है। बिल्कुल, बाजार क्या लग रहा है। तो इस चीज का जो जवाब, एक इंसिडेंट देता हूँ, आज हुआ। तो मैं जिम से निकल रहा था, तो एक जिम के बाहर भी एक वॉशरूम है, तो वहां से एक व्यक्ति निकलते हैं, वो मुझे देख लेते हैं। तो मैं अपने रास्ते जा रहा था, तो वो इधर जाने वाले थे जिम की तरफ, वो मैं देखा तो वो मेरे साथ साथ आगे तक चले गए। क्वेश्चन वही था जो आपने बोला, आज क्या लग रहा है, आज क्या लग रहा है, बस यही होता है। वो जो इक्वेशन ही अलग है ना, एक ट्रेडर का दूसरे ट्रेडर से जो इक्वेशन होता है वो इक्वेशन ही अलग है। राइट। तो अब इस चीज को आंसर करने के लिए ऑब्वियसली आप अपने मित्रों को पूछ, मैं वीडियो फॉरवर्ड कर दूंगा। हाँ बिल्कुल। तो आइडिया ये है कि मैं कैसे जाकर के फोरकास्ट कर सकूं। अब पहले थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन प्रैक्टिकल कर देते हैं। एब्सोल्युटली ठीक है। इससे क्या होगा, लॉटरी लग जाएगा? नहीं, और लग जाएगा तो फिर जरूरत नहीं है ना, हम सबको कुछ भी करने की। वही, कोई लॉटरी नहीं लग जाएगा इससे। ये करके हम क्या अचीव करना चाहते हैं, प्रैक्टिकली 65% का स्ट्राइक रेट आ जाए, और जो भी हम बिल्डअप समझाएंगे उससे बस आप जो ट्रेड ले रहे हो उसकी एक्यूरेसी और बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। यू विल सी द डेटा, फिर आप कोई वो लॉटरी वाला ट्रेड नहीं ले रहे हो, आपको पता है कि आप जो कर रहे हो उसके पीछे लॉजिक लॉजिक है। और जब आपको लॉजिक, जब आप डेटा पे ट्रेड करते हो ना, तब आपको कन्विक्शन बिल्ड होता है। राइट। और जब आप गलत भी जाते हो तो आप सीखते हो कि ये डेटा मैंने देखा था ये नहीं चला। लेकिन जब गट फील पे ट्रेड करते हैं तो आप अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखते हो। इसीलिए डेटा पे ट्रेड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे जो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है वो है 65-68% 70% स्ट्राइक रेट, और थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड, इंट्राडे ट्रेड की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। 3-4 दिन का सौदा मिल पाए, से लेके 15 दिन तक का हो सकता है मोस्टली इसमें सौदा मिलेगा। और कब ये डेटा नहीं देखना है, एक्सपायरी खत्म होने के बाद जब नया एक्सपायरी चालू होता है उसमें हमें नेक्स्ट डे को ये डेटा नहीं देखना है, क्योंकि क्या होता है, रोल ओवर पूरा 100% तो होता नहीं है। रोल ओवर होगा 65%, 80%, 85%, हर स्टॉक का इंडेक्स का अलग अलग होगा, तो बाकी के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर हो गए। अब नेक्स्ट डे जब बाजार खुलेगा तब लोग आएंगे और हो सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट खरीदेंगे, तो आपको हर चीज में ओआई एडिशन दिखेगा जो कि मिसलीड कर सकता है। तो ये जो भी एनालिसिस हम सीख रहे हैं इसको जब एक्सपायरी नया शुरू होता है तो पहला दिन तो एटलीस्ट अवॉइड करना चाहिए। अब हम लोग आते हैं कंसेप्ट पे। राइट। कि अब ये जो डेटा है, सो अब हम लोग जाते हैं कॉन्सेप्ट के अंदर, बिल्टअप के अंदर। ये एक फेवरेट टूल है मेरा, अगर आप भी इस टूल को यूज करना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके साइन अप कर सकते हैं। यू कैन यूज दिस टूल आफ्टरवर्ड्स। तो ये बिल्टअप का टूल है, और ये बिल्टअप के टूल के अंदर हम पहले जाते हैं, 2-3 इजी चीजें पहले देखते हैं। यहाँ पर 3 चीजें दिख रही थी, एक बार बैक करके दिखा देते हैं। मैं एक बार फिर से यहाँ पे आपको बिल्टअप के अंदर दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये जो बिल्टअप का टैब है इसके अंदर स्क्रिप्ट, मतलब इंडिविजुअल स्क्रिप्ट का एनालिसिस, फिर ये बिल्टअप ब्रेथ, ये मैं समझाऊंगा थोड़ी देर में इसको कैसे रीड किया जाए इंट्राडे के लिए स्पेशली, और यही चीज हम सेक्टर पे भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जब पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं तो टॉप डाउन अप्रोच करते हैं, तो लेट्स से आपने पहले सेक्टर देखा, समझ में आया कि सेक्टर में लेट्स से फार्मा चल रहा है या कंजम्पशन चल रहा है, फिर वो जाके देखते हैं कि उसके अंदर मुझे कौन सा स्टॉक जा करके ट्रेड करना चाहिए। तो हम लोग अब इसके अंदर भी मल्टीपल 3 चीजें हैं,
तो एक है सिंबल वाइज एनालिसिस जो अभी हम पहले देख रहे हैं, फिर हम देखेंगे जो मैंने कंसेप्ट बोला एक दिन का डेटा कुछ नहीं बताता, तो हम देखेंगे साइकिल का मतलब क्या होता है, और फिर साइकिल होने के बाद भी हो सकता है क्वांटम नहीं है, क्वांटम मतलब अगर कहीं पे लेट्स से 1 करोड़ का बेट है तो बाजार के लिए तो बहुत छोटी बात है, तो उसमें हमको ध्यान नहीं देना, तो हमको देखना कितने पैसे लगे हुए राइट, तो वो क्वांटम चेक हम करेंगे वो थर्ड वाला टाइप से जिसको हम बोलते हैं फ्यूचर OIH, मतलब OI हिस्टोरिकल को हम जाकर के ट्रैक करेंगे। तो पहले सिंबल में हम जाते हैं जो इंट्राडे में, सो अगर हम यहाँ पे देखें तो निफ्टी बैंक निफ्टी हमको पहले दिख रहा है, फिर स्टॉक्स भी है तो मैं मेजरली निफ्टी बैंक निफ्टी यूज करूंगा, फिर यही चीज हम स्टॉक्स पे भी कर सकते हैं, सेम चीज सेम कंसेप्ट तो सेम ही रहने वाला है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे दिख रहा है कि निफ्टी में शॉर्ट क्रिएट हुआ, शॉर्ट का मतलब है अगेन यहाँ पे प्राइस गिर गया और ओपन इंटरेस्ट जो है वो 35% बढ़ गया निफ्टी में, तो नए लोग आए और उन्होंने इतना सारा पोजिशन क्रिएट किया और प्राइस नीचे चला गया। और बैंक निफ्टी के केस में क्या हुआ, यहाँ पे भी प्राइस गिरा 0.1% और ओपन इंटरेस्ट 8.5% बढ़ गया, मतलब दोनों जगह लोग जाकर के शॉर्ट कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो हमको देखना है, पहले मैं निफ्टी बैंक निफ्टी का OIH बताता हूँ और साइकिल को हम यूज करेंगे स्टॉक्स खोजने के लिए। ओके ठीक है, तो फ्यूचर OIH में ये टैब पे अब हम जाते हैं और निफ्टी का पिछले 20 ट्रेडिंग डे का हमको यहाँ पे डेटा दिख रहा है राइट। अब मैं ये रोज का OI है, मैं एब्सोल्यूट OI पे क्लिक करूंगा जिसका मतलब होता है एक दिन से दूसरा दिन में OI कितना चेंज हुआ राइट, चेंज इन OI ठीक है। तो अब ये डेटा आप देखिए, और मैं खाली ये बता देता हूं जो कलर है, रेड का मतलब शॉर्ट, ग्रीन का मतलब लॉन्ग, ब्लू का मतलब लॉन्ग अनवाइंडिंग, येलो का मतलब शॉर्ट कवरिंग। क्या लगता है बाजार क्या था? सो आपको रेड ज्यादा दिख रहा है और उसके बाद आपको शॉर्ट कवरिंग ज्यादा दिख रही है तो बाजार गिरा है। एग्जैक्टली, सो अगर हम यहां से देखें कंटिन्यूअसली बहुत दिन पहले से लगभग 27 तारीख से अगर हम देखें 27 जनवरी, प्रॉफिट बुकिंग के बाद से फिर शॉर्ट होना शुरू हुआ। 27 जनवरी का ये एक्सपायरी खत्म हुआ उसके पहले का अनवाइंडिंग, ये जो एक्सपायरी का अनवाइंडिंग है उसके बाद से आप देखिए यहाँ पे कंटिन्यूस शॉर्ट थे। तो अगर इतने दिन से अगर आप निफ्टी देख रहे हो तो बहुत क्लियर व्यू था कि निफ्टी नीचे जा रहा है क्योंकि कंटिन्यूसली शॉर्ट ऐड हो रहे हैं, कहीं पे भी लॉन्ग नहीं ऐड हो रहे। अब इसको यूज कैसे करना, अब यहाँ पे हम क्या, ये डेटा देख के हमको क्या समझ में आ रहा है? अब मैं डेटा को देख करके हम लोग जो ट्रेड लेंगे के पहले कंसेप्ट बताता हूँ कि हमको ट्रेड लेना कैसे चाहिए पहले। तो बहुत क्लियर फंडा है अगेन मेरे लाइफ में, मेरे लाइफ में बहुत सारे एनालिस्ट रहे, अच्छे अच्छे एनालिस्ट भी रहे, सब लोग बाजार में लास्ट 5 पैसा का टिक मेरा ही हो, वो बॉटम मैं ही बनाऊं के पीछे जाकर के मेहनत कर रहे हैं, और टॉप का टिक भी मेरा ही होना चाहिए, किसी और का हो ही नहीं। सबसे नीचे से मैं ही खरीदूंगा, सबसे ऊपर से मैं ही बेचूंगा, मैंने वहीं पे बेचा था। एग्जैक्टली, सबसे नीचे मैं खरीदूं, टॉप पे जाकर के मैं बेच दूं राइट। तो 2008 का भी 6336 पे बिकना चाहिए जो टॉप बना था। तो ये करने के चक्कर में होता क्या है, जो आपका स्ट्राइक रेट है वो आप सोचो कंसेप्चुअली कितना होगा, वो बहुत कम आता है बेसिकली, क्योंकि हर बार जब वो स्टॉक गिर रहा है आप सोच रहे हो कि ये बॉटम बनेगा, आप खरीद लो, फिर गिर रहा है, फिर आप सोच रहे हो ये बॉटम बनेगा, फिर आप खरीद लो। तो कंटिन्यूसली स्टॉक गिर रहा है और आप अगेंस्ट द ट्रेंड जाकर के ट्रेड ले रहे हो। अब मेरा लेट्स से कोई किसी कस्टमर के पास 1 करोड़ है, किसी के पास 10 करोड़ है, 20 करोड़ है, मैं बोलता हूँ 50 करोड़ है, 100 करोड़ है, निफ्टी का कुछ फर्क पड़ने वाला है? 100 करोड़ से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। आप अगर 100 डालोगे 5 मिनट में सब 100 हो जाएगा बाजार। हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगा, तो कोई बाजार को फर्क नहीं पड़ता है ये। तो मैं जाकर के ट्रेंड चेंज कर सकता हूँ क्या? आंसर है नहीं, नहीं कर सकते। बड़े बड़े लोग भी नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग का आई थिंक एक जनरल क्वेश्चन मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं, मैं इसको बीच में लेके आ रहा हूँ कि ऑपरेटर कर रहा है और ऑपरेटर बाजार को जाकर के चला रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ऑपरेटर होते हैं क्या? ऐसे बहुत सारे लोग मेरे से सवाल पूछते हैं, तो मेरा उनसे रिवर्स सवाल है, भूत होते? आपने कभी देखा क्या? शायद होते हैं, शायद नहीं होते। तो मुझे तो ऐसा लगता है अंधविश्वास, कोई ऑपरेटर नहीं। बट स्टॉक्स के अंदर हो सकते हैं, छोटे स्टॉक्स के अंदर डेफिनेटली ऑपरेटर इवन हो सकते हैं राइट। सो वहां पे भूत होते हैं, वहां पे कब्रिस्तान में तो होते हैं। हाँ वहां पे भूत होते हैं, वो हो सकता है, कब्रिस्तान वाला स्टॉक इज अ गुड थिंग, बिल्कुल उसके अंदर हो सकता है, ये अच्छा था। तो अगर आप देखोगे निफ्टी बैंक निफ्टी में कोई भूत नहीं है, वो नहीं, वो तो टॉप 20 स्टॉक में भी कोई भूत नहीं है, टॉप 20 स्टॉक में भी आप देखोगे कोई भूत नहीं है। अब उसके अलावा आप बोलोगे एक स्टॉक जिसका नाम ही मैंने कभी नहीं सुना, अगर आप वो पूछोगे कि इस पे क्या व्यू है, तो हो सकता है भूत है, तो इसमें तो नहीं है। तो कोई ऑपरेटर, कोई FII बाजार नहीं चला राइट।
ये तो हमको पहले समझ लेना चाहिए। अब हम आते हैं कि अगर कोई नहीं चला रहा तो मार्केट फोर्सेस चला रहा है। कौन चला रहा है? मार्केट फोर्सेस। इतना बड़ा बाजार है, सीसो है, यहाँ पे वजन ज्यादा तो नीचे चला गया, वहां पे वजन ज्यादा नीचे, कभी बैलेंस ही नहीं हो सकता। राइट राइट। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है? सबसे अहम चीज तो वही है कि हमको क्या करना है। तो हमको बनना है सेकंड पार्टिसिपेंट। पहला सौदा हमको लेना ही नहीं है, ठीक है? मतलब मैं ऐसा बोलता हूँ कि हमें शायद रिएक्टिव होना चाहिए और रिस्पॉन्ड करना चाहिए जो हो रहा है उस पर। एग्जैक्टली। रादर देन कि यू क्रिएट द सिचुएशन और यू क्रिएट द ट्रेंड, वो तो पॉसिबल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो हमको क्या करना है कि बाजार में पहले, अब जैसे दिख रहा है इतना दिन से शॉर्ट है, मेरा व्यू भी बहुत टाइम से, अगर ये डेटा लोगों ने देखा तो बहुत दिन से दिख रहा होगा कि व्यू नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। अब ये कंटिन्यू होगा नेगेटिव कब तक? तब तक जब तक कोई दूसरा फोर्स आकर के ये डेटा को चेंज नहीं करे। और अगर मैं खरीदने के बारे में सोच रहा हूँ तो मैं कब खरीदूंगा? जब यहाँ पे मुझे दो तीन ऐसे बड़े ग्रीन वाले बाल, जो यहाँ तो बहुत छोटे छोटे, जैसे कम से कम ये इस साइज के, इस साइज के जो दूसरा छोटे वाले, हाँ, छोटे भाई, हाँ, इतने भाई एकदम से इतना ग्रीन आना मुश्किल है, लेकिन एटलीस्ट छोटा वाला, हाँ, वो दो तीन आए और उसके बाद एक बार ब्लू भी आ जाए, और उसके बाद फिर जब पुल बैक होगा, और मैं बता रहा हूँ मेरा एटलीस्ट जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, डेरिवेटिव जब से शुरू हुआ तब से तो मैं बाजार को देख रहा हूँ। जब 2006 का रैली, वन वे बाजार जब ऊपर जाना चालू हुआ, 2004 से ही चल रहा था, 4 से 6 फिर 8, लोगों को लगा अब तो कभी मिलेगा नहीं। तो 2008 के बाद 3 दिन के बाद, मतलब जब वो फॉल चालू हुआ 3 दिन के बाद 2004 का भाव मिल रहा था। तो बाजार आपको मौका देता है, पुल बैक होते हैं और अच्छे खासे पुल बैक होते हैं। अभी थोड़े दिन पहले कोविड में क्या हुआ, आपको बाजार ने मौका दिया जाकर के एक बहुत लोअर लेवल पे एंटर करने का, तो बाजार मौका देता है। और अगर नहीं दिया 10% केस में नहीं दिया, जाने दीजिए। हमको क्या करना, हमको बनना है सेकंड पार्टिसिपेंट। पहला मूव जाने देंगे तो पहला ग्रीन बन जाने देंगे, फिर देखेंगे कि अब वहां से पुल बैक हो रहा है क्या, और अगर पुल बैक हो रहा है तो मैं जाकर के खरीदूंगा। ये बेसिक फंडा है। तो बाजार को पैसा लाने देंगे इसके अंदर और फिर खरीदेंगे। तो अब हम व्यू बताते हैं, इसमें व्यू कैसे बनाएंगे। तो इसमें एक लोगों के लिए एग्जाम्पल है बस, कि भाई आप ये देखते हो कि 10 रुपए की चीज 100 रुपए की हो गई, या बाजार आज यहाँ से आपका हो गया जी 21,000 चला गया, 20,000 चला गया, कुछ भी चला गया। तो मैं ये नहीं कह रहा जी मैंने 17,000 से खरीदा था, या मैंने 17,500 से खरीदा था, 16,000 से खरीदा था। मैं कह रहा हूँ कि बाजार ऊपर गया और एक पुल बैक आया तब मैंने खरीदा। तो मैंने 10 की चीज को 100 पे जाना था, मैंने 10 की चीज को 10 पे नहीं खरीदा, मैंने 15 पे खरीदा, 18 पे खरीदा, 20 पे खरीदा, वो तब भी 100 पे चले गए, आई एम स्टिल हैप्पी। राइट, एग्जैक्टली। सो ये 10 वाला चीज, लेट्स से कोई एक स्टॉक 30 रुपए पे गिर के 20 आया, 10 आया, मैं खरीद नहीं रहा हूं, क्यों प्रीएम्प्ट करूं, देख रहा हूं। जब वो 10 का 20 हुआ और यहां डेटा बोला कि अब तो लोगों ने पैसा लगा दिया, और 20 का वो 18 16 कुछ भी हो जाएगा तो हम खरीद लेंगे। राइट। तो जब वो 20 हुआ और फिर वहां से 4 रुपए गिर गया, तो और वहां पे पुल बैक में मैं जाकर के एंटर करूंगा, मैं सेकंड पार्टिसिपेंट हूं, फर्स्ट पार्टिसिपेंट में नहीं हूं। और ये करने से क्या होता है प्रैक्टिकली, जो मेरे लाइफ में मैंने देखा जितने भी एनालिस्ट के लिए, वो एनालिस्ट का स्ट्राइक रेट जो बॉटम और टॉप खोजने की कोशिश करते हैं 25% होता है, नेचुरल है। आप कितना बार रिवर्सल होगा, बहुत कम। तो आई थिंक 25% में वो आउट परफॉर्म ही कर रहे थे, अंडर परफॉर्म तो नहीं कर रहे थे 25, क्योंकि हर दिन तो थोड़ी रिवर्सल हो जाएगा। तो अगर आप ये खाली एक साइकोलॉजी चेंज करोगे ना कि मेरे को पहला 5 रुपया नहीं चाहिए, ठीक है, पहला मूव में मेरे को नहीं चाहिए, मैं सेकंड मूव में पार्टिसिपेट करूंगा, आपका स्ट्राइक रेट सीधा चेंज होकर के 65-70 हो जाता है। तो आपको बॉटम बनाना है एक रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए, या टॉप बनाना है रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए कि आपको पैसे कमाने हैं। अगर पैसे कमाने तो सेकंड पार्टिसिपेंट बनना पड़ेगा। तो ये फंडा है। तो अब यहाँ पे निफ्टी का जो डेटा है उसको अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत क्लियरली समझ में आता है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है कि शॉर्ट है। जब तक ये रिवर्स नहीं होता इक्वेशन, तब तक शॉर्ट है। जब जब ऊपर आया तब तब हमको बेचना, बेचना कहाँ है, एक और बहुत अच्छा पॉइंट है, जब शॉर्ट का ये पूरा ट्रेंड चल रहा है और जब जब वो हाईएस्ट कॉल के पास आएगा बाजार, निफ्टी अपना जो भी वीकली हाईएस्ट कॉल के पास बदलता रहेगा, वो आएगा, वो क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। सो दैट बिकम्स अ वेरी स्टीप रेजिस्टेंस, और वहां पे हमको जाकर के माल बेचना चाहिए। तो अगर किसी को ये जानना है कि लेवल क्या होना चाहिए, बेचना तो है, लेवल क्या होना चाहिए, तो मैं अभी यहाँ पे एक बार ओपन भी करके देख लेता हूँ, यहाँ से जाता हूँ मैं ओपन इंटरेस्ट, मैं बता देता हूँ 17,600 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है अभी के लिए। सो अभी ये दूर वाला तो नहीं देखता हूँ मैं, अगर मैं इमीडिएट भी देखूँ तो यहीं पे है 17,600 जो आप बता रहे, और फिर सेकंड जो लेवल है वो भी काफी दूर है। तो जो इमीडिएट है 17,600 ही है। तो अभी
ऑलमोस्ट वही है. तो बाजार बेसिकली ये बोल रहा है कि शॉर्ट है और काफी समय से, आप अगर आज ट्रेड ले रहे हो तो एक महीना लेट है हम, लेकिन अब जो नया नेक्स्ट सौदा आएगा वो तो एटलीस्ट ये वीडियो देखने के बाद लोग ले पाएंगे. तो आइडिया ये शॉर्ट ही है, शॉर्ट करते रहेंगे. जब जब हाईएस्ट कॉल के पास आएगा तब तब बेचेंगे. दो तीन बार वहां से रिवर्स हुआ, पैसे बनते गए, एक बार ऐसा होगा कि उसके ऊपर चला जाए, एब्सोल्युटली जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा. लेकिन मैंने चार बार अगर पैसा कमा लिया, जब जब वो वहां जा जा के गिर रहा है, चार बार अपने पैसा बनाया, एक बार ऐसा होगा कि स्टॉप लॉस हो गया. आप देखो डेटा में लॉन्ग क्रिएट हुआ क्या, अगर हो गया अब जब हाईएस्ट पुट के पास आएगा मैं खरीदूंगा. तो ये आप कंटिन्यूअस ट्रेड बिल्ड कर सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर, और आप देखेंगे कि ये जो है वो मैजिक की तरह काम करता है. और ये बहुत पुराना थ्योरी है, मतलब खाली मैं इसमें एक ही चीज़ जो डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ कि मैं ओपन इंटरेस्ट को इसके साथ कंबाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आपको बोल रहा हूँ आप सेकंड पार्टिसिपेंट बनो और साइकिल देखो, एक दिन का डेटा मत देखो. अगर जो आप बोल रहे हो ना, अगर लोगों ने इतनी सी बात समझ ली, सो आप बहुत सारे लोगों से ऑलरेडी आगे निकल चुके हैं. बिकॉज लोग इतना डेटा देखकर कौन काम कर रहा है आज की डेट में मार्केट में. सो इफ यू अंडरस्टैंड कि मार्केट में क्या हो रहा है, माल बिक रहा है, माल खरीदा जा रहा है, फिर आपको ओपन इंटरेस्ट का गेम तो समझ आ ही गया होगा. इतनी सारी हम भी वीडियो बना चुके हैं लोगों के लिए. तो अगर लोग इतना समझ चुके हैं और समझ लेते हैं तो डेफिनेटली आप मार्केट में टिक पाओगे, और अगर आप टिके रहे तो आप पैसा बना पाओगे. एग्जैक्टली. और ये बहुत ईजी है करना. आपको कितना टाइम इन्वेस्ट करना है, मतलब आपका थीटा डीके एक झलक, आपका दिन का थीटा डीके होगा 2 मिनट. राइट. मुझे व्यू क्रिएट करने में 2 मिनट भी नहीं लगेगा. तो 2 मिनट का खाली एक डेटा अगर आप अपने लाइफ में ऐड करोगे तो आप एक गट पे ट्रेड करने वाले ट्रेडर से डेटा पे ट्रेड करने वाले ट्रेडर बन जाओगे. राइट. जो कि लॉन्गर सस्टेन करता है बाजार में, जो कंसिस्टेंटली पैसा कमाने का एक्सपेक्टेशन रख सकता है. राइट. गट पे ट्रेड कर रहे हैं तो पॉसिबल ही नहीं है. तो अब यही चीज में हम एक और चीज देखते हैं, वो है साइकिल, कि साइकिल को हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं. तो मैं फिर से जाता हूँ शुरुआत से जो हमने ओपन किया था बिल्टअप के अंदर. राइट. स्क्रिप्ट के अंदर मैं जा रहा हूँ साइकिल्स. राइट. ठीक है. अब यहाँ पे एक दो इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है साइकिल्स के अंदर जो मैं बताऊंगा. अब ये जो अगर है, अगर आप कलर ब्राइंड है तो शायद आपको ना देखे. मजाक. I don't know about that. तो but ये सब कुछ लोग कहते हैं ये चीज. नहीं नहीं, कई सारे लोग आपको भी शायद पता ही नहीं पता. फेसबुक का कलर ब्लू क्यों है सर, आपको पता है? व्हाइट इज ब्लू, व्हाइट इज नॉट रेड. मैंने सुना था ऐसा कुछ, बट मुझे मैंने ये कहीं पढ़ा कि मार्क ज़करबर्ग कलर ब्लाइंड है. okay. तो वो ब्लू कलर इजीली देख पाते हैं, इसलिए उन्होंने ब्लू कलर का रखा सब कुछ. ऐसी जस्ट जोकिंग. इतने सारे कलर्स आ गए. मुझे तो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस का एग्जाम याद आ गया. उसमें कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट कराते हैं. ओके. उन्होंने नंबर पढ़वाते हैं वो इतना सारा, मतलब जिन्होंने दिया होगा मुझे याद आ गया. तो ये जो है ये पता नहीं ऐसे बनते बनते बन गया था, मतलब ये जो वेरी इंटरेस्टिंग, अभी लोगों को समझ आएगा तो मजा आएगा. बिल्कुल. मैं जब पहले डेटा देखता था और मैं पहले ये एक्सेल में मेंटेन करता था खुद के लिए, जितनी भी आप चीजें देख रहे हैं ये कभी ना कभी मेरा लाइफ का पार्ट रहा, और वहीं से आइडिया आता है तब हम जाकर के बनाते हैं. तो एक्सेल में मैं डेटा मेंटेन करता था मल्टीपल डेज का, तो कलर कोडिंग देना चालू किया ताकि रीडेबिलिटी रहे. राइट. कि कैसे पता चले कि इसमें से इतने सारे स्टॉक्स है, आप स्क्रोल करते जाइए खत्म ही नहीं हो रहा है, कंटिन्यूअस डेरिवेटिव में न्यू स्टॉक्स आते रहते हैं. बड़ा बेग झलक में आप देख के बता सकते हो कि नहीं. मैं थोड़ा सा इसको फिल्टर करूंगा. हाँ? लेकिन फिर समझ में आने लग जाएगा. कर दीजिए. तो अब लोगों के लिए अब ये हमने क्या किया, रेड मतलब अगेन सेम ही है, रेड मतलब शॉर्ट, ग्रीन मतलब ये. बट मैं पहले फिल्टर करूंगा, पहले एक बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ, एकदम बेसिक, मतलब ये जो नुआंसेस है ना उसमें हमें गलत नहीं जाना. अब हमने जब बात किया कि प्रॉफिट बुकिंग होता है, जिसका मतलब ब्लू बार्स हो सकते हैं. अब ब्लू बार बिना लॉन्ग हुए प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है क्या? हो सकता है, जिसने पहले की पोजीशंस ली हो. तो पोजीशन लिया मतलब लॉन्ग है ना, बट उसने पहले का लिया हो. हाँ, बट कभी ना कभी तो होगा वो डेटा में. तो अगर लॉन्ग ही नहीं था तो प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है? नहीं हो सकता है. तो क्या होता है कि बहुत बार बाजार हो सकता है साइडवेज है, कोई व्यू नहीं है. जरूरी नहीं हर स्टॉक पे एक व्यू क्रिएट करना है मुझे. मुझे इसमें से हर स्टॉक पे व्यू नहीं चाहिए. मैं ये देख रहा हूं कि कौन से स्टॉक पे क्लियर व्यू हो सकता है. मुझे हर स्टॉक पे व्यू नहीं चाहिए. तो मैं क्या करूंगा, पहले तो एक बेसिक फंडा हमें जानना बहुत जरूरी है कि अगर कहीं पे प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है उसके पहले वहां पे ट्रेड तो होना चाहिए लॉन्ग साइड पे. अगर लॉन्ग ही नहीं था तो लॉन्ग अनवाइंडिंग को मैं बिलीव नहीं करूंगा. ओके. दिस इज द कंसेप्ट. तो हम उसको बोलते हैं साइकिल, एकदम सिंपल वर्ड में. तो अगर लॉन्ग और लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है और ये साइकिल्स में चलता जा रहा है, तब ये साइकिल है. तब ये साइकिल है. अदरवाइज अदरवाइज ये क्या बोलेंगे, स्कैटर्ड डेटा है और व्हाट इट इज रैंडम. रैंडम
तो रैंडमनेस जैसे जैसे रेड के बाद ब्लू आ गया तो इट इज रैंडम. सो अगर आप यहां देखोगे रेड भी है, ब्लू भी है, येलो भी है, ग्रीन भी है, रेड, पूरा मिक्सड डेटा. तो कहीं पे कोई ट्रेंड नहीं है आरती इंडस्ट्रीज में. तो दैट्स अ रैंडम डेटा. ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, अब 100% तो खाली ग्रीन होगा और ब्लू होगा ऐसा तो होगा नहीं, बट हमको देखना है ज्यादातर कॉम्बिनेशन कहां पे मिल रहे हैं. तो हमें दो कॉम्बिनेशन खोजना है. एक तो हमें खोजना है कि ग्रीन और ब्लू का कॉम्बिनेशन है क्या, और दूसरा हमें खोजना है रेड और येलो का कॉम्बिनेशन है क्या. थोड़ा तो आपने अजीब सा ग्रीन बोले, ऐसे क्या बोले, ग्रीन ग्रीन नहीं, वो ग्रीन नहीं है, वो पेल सा है. हाँ, थोड़ा सा वैसा है. हाँ. थोड़ा सा डार्क स्टोन में. हाँ. सो ये इस येलो तरह से, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा फिलहाल. हाँ, तो येलोइश काइंड ऑफ फील है थोड़ा सा. तो उस तरह का हमें देखना है कि रेड और येलोइश काइंड ऑफ टोन है क्या. और ये बनते बनते बस हमसे बन गया कलर दे रहा था आपने. हाँ, तो आई थिंक बहुत सारे लोगों का फीडबैक था कि वो कलर जो है लाइट रहता है तो थोड़ा सा दिखता नहीं है. येलो अगर व्हाइट बैकग्राउंड लाइट ज्यादा ब्राइट आ जाए तो दिखता नहीं है, इसलिए हम लोग को शायद वो मॉडिफाई करना पड़ा. तो ये जो टूल है ये बेसिकली मतलब ये यूटिलिटी हमने इन्वेंट किया था. हमने कहीं से कोई कॉपी नहीं किया हुआ. इनफैक्ट हमारा कॉपीराइट का एप्लीकेशन डाला हुआ है इसके लिए, ये यूटिलिटी के लिए भी. तो आप इसको बेसिकली इस तरह से रीड कर सकते हैं. अब मैं इसको यूज करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकल. मैंने कुछ प्रिपरेशन नहीं किया, ना मैं कभी करता हूँ. तो हम लोग अभी का बाजार का डेटा है, देखते हैं क्या हो रहा है. तो अब ये हमें करना क्या है, 20 दिन का लुकबैक पीरियड. ये 20 दिन में लेटेस्ट डेटा लेफ्ट में है और ये पुराना डेटा. तो इस तरह से डेटा आ रहा है. ठीक है, अब हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे टूल को बोल रहा हूँ रीडिंग में जा करके कि मुझे बताओ एल एल यू मतलब लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग में पिछले 20 दिन में से कौन से स्टॉक है जिसमें कम से कम 14 दिन तक लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग क्रिएट हुआ है. 14 दिन तक साइकिल होगी उसकी तो फिर. हाँ, तो वो साइकिल्स मुझे बेसिकली यहां से जाकर के निकलना है. तो अब हमने क्या किया, लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग हमने यहाँ पे रीडिंग में सिलेक्ट किया और हमने बोला कि पिछले 20 दिन के डेटा में 14 दिन का डेटा लॉन्ग या लॉन्ग अनवाइंडिंग हो वैसे स्टॉक्स मुझे बताओ. एक भी नहीं है. एक भी नहीं. तो ये भी बता, इसका मतलब है कि बाजार तो काफी हद तक बेयर के कंट्रोल में है फिर. हाँ, मतलब एक भी नहीं है. मुझे भी याद नहीं आ रहा है कि मैंने लास्ट ऐसा बाजार कब देखा था. कमाल है. और शॉर्ट शॉर्ट कवरिंग की बात करें तो, और अगर बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट कवरिंग अगर हम देखेंगे, क्योंकि अब वही पॉसिबल ट्रेड है. हाँ. तो अब उस शॉर्ट शॉर्ट कवरिंग SSC में यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ. हाँ. और अगर मैं इसको अप्लाई करूँ तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 स्टॉक है, उसमें से एक इंडेक्स है निफ्टी जो कि शॉर्ट शॉर्ट कवरिंग साइकिल में चल रहा है. साइकिल में चल रहा है. और उसमें से एक स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा. इनफैक्ट अगर कुछ लोग मुझे रिसेंटली अगर मीडिया पे फॉलो कर रहे होंगे, मैंने बहुत अग्रेसिवली ये कॉल दिया था कि बैंक ऑफ बड़ौदा आपको बेचना चाहिए, शॉर्ट करना चाहिए. और वो डेटा यही है. अगर आप जानना चाहते हैं मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ अलग नहीं करता हूँ. यही डेटा है जो आपको दिखा रहा है कि ये शॉर्ट शॉर्ट कवरिंग. आप देखो कहीं पे भी खाली एक वो लॉन्ग है उसको हम इवेल्युएट करेंगे कि वो कितना मीनिंगफुल है, और वो मैं फ्यूचर YH पे आऊंगा. सो डिवीज लैब है, काफी समय से ये ट्रेड चलता आ रहा है शॉर्ट साइड पे. बैंक ऑफ बड़ौदा है जो काफी समय से चलता रहा, अभी भी शॉर्ट है. तो सेम फंडा हमको अप्लाई करना है कि अभी भी ग्रीन में ये ओपन इंटरेस्ट है. ये जो है ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज है, 33% ओपन इंटरेस्ट बैंक ऑफ बड़ौदा का बढ़ गया और स्टॉक 0.2% नीचे है. सिमिलरली डिवीज लैब में 1.5% स्टॉक नीचे, 13% ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया. निफ्टी का हमने अभी ऑलरेडी बात किया. तो अब हम एक क्वांटम चेक भी करके देखते हैं, क्योंकि कभी कभी अब यहाँ पे अगर हम देखें पूरा डेटा में सिर्फ एक ग्रीन है बैंक ऑफ बड़ौदा पे, लेकिन अगर ये बहुत बड़ा कैंडल है या बार है तो शायद प्रॉब्लम हो सकता है. तो मुझे जाकर के वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये जो बार है वो कितना बड़ा है, मीनिंगफुल है क्या. तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे यहां से फ्यूचर OIH पे जाता हूं मैं. यहां से क्लिक करके भी जा सकते हैं. तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो फ्यूचर OIH पे जा रहे हैं, या तो ऊपर वाले टैब से भी जा सकते हैं. और ये एब्सोल्यूट OI पे हम क्लिक करेंगे. अब अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे ये है वो ग्रीन बार और ये वो ग्रीन बार है जो फॉर्म हुआ था. अब ये बहुत बड़ा नहीं है. तो अगर हम देखें रिसेंट डेटा जो है कंटिन्यूस शॉर्ट है, और अभी तो ये स्टीप शॉर्ट है. स्टीप शॉर्ट है, एक्सपायरी भी था तो एक्सपायरी के चलते भी आपको थोड़ा सा एक्टिविटी दिख रहा है. तो आइडियली आपको अब कल नहीं देखना चाहिए डेटा, अब आपको देखना चाहिए मंडे को. राइट, क्योंकि नेक्स्ट डे बहुत सारा OI वहां पे ऐड होता, रोल ओवर होगा, ऐड होता हुआ दिखेगा. तो यहाँ पे देखें तो बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि इतना मीनिंगफुल नहीं था, तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं और यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड बना रहेगा. अगेन सेम फंडा, जब जब हाईएस्ट कॉल के पास आएगा बैंक ऑफ बड़ौदा में बेचना है, कंटिन्यूस ट्रेड लेते रहेंगे. 3-4 बार राइट जाएंगे, एक बार गलत जाएंगे. जब गलत जाएंगे तो वेट करेंगे, फिर देखेंगे क्या हुआ, चल गया, लोगों ने लॉन्ग किया क्या,
किया पुलबैक हुआ फिर खरीद लेंगे हाईएस्ट पुट के पास राइट तो बस ये ट्रेड हमारा ऐसा चलता रहेगा। तो ये बिल्टअप का पूरा थ्योरी है और एक चीज मैं सिर्फ इसमें लास्ट ऐड करूंगा बिफोर वी कॉल इट। यहाँ पे हम लोग एक जो मैंने यूटिलिटी दिखाया था आपको इसी के अंदर वो था इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से हम बिल्टअप ब्रेथ देख सकते हैं। तो बिल्टअप ब्रेथ का मतलब क्या होता है कि कितने स्टॉक्स है बाजार में जहां पे लॉन्ग डेवलप हो रहे हैं और कहां पे शॉर्ट्स डेवलप हो रहे हैं। ठीक है तो ये पहले मैं इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं, ये स्टैंड अलोन चार्ट पे आप ट्रेड नहीं ले सकते, ये एड ऑन इंडिकेटर। एड ऑन इंडिकेटर का मतलब होता है कि आपने बहुत अच्छी ठंडाई बनाई उसके ऊपर हम बादाम डाल रहे हैं तो ये बादाम है, पीने में बहुत मजा आएगा ठंडाई के साथ, लेकिन ये पूरा ठंडाई नहीं है। ठीक है तो आपने व्यू कहीं से बनाया और आइसिंग ऑन द केक के लिए आपने एक रिकन्फर्मेशन के लिए इस टूल को यूज किया जहां पे अगर ये एक्सपैंड हो रहा है लॉन्ग जो ग्रीन है अगर एक्सपैंड हो रहा है जैसे ऊपर से नीचे एक्सपैंड हुआ तो आपको समझ में आएगा स्कैल्पिंग के लिए 10-15 मिनट का सौदा, उससे ज्यादा नहीं, 10-15 मिनट का जो लोग सौदा करने की कोशिश करते हैं तो ब्रेथ इंप्रूव हो रहा है। जैसे पहले एक जमाने में एडवांस डिक्लाइन लोग देखते थे बट अब एडवांस डिक्लाइन बहुत पुराना हो चुका है एज अ थ्योरी क्योंकि वो इतना डिटेल नहीं बता पाता। तो यहाँ पे क्या एडेड एडवांटेज है कि एडवांस डिक्लाइन का एक एडवांस वर्जन है जिसमें आप उसका ओआई और प्राइस का रिलेशनशिप पे डिसाइड कर रहे हो कि ब्रेथ कैसा है राइट और आप 10-15 मिनट का व्यू बाजार पे लेके स्कैल्पिंग कर सकते हो ऑप्शन में। तो अगर ये एक्सपैंड हो रहा है लॉन्ग तो आपको पता है बाजार ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस, ये जैसे ब्रेकआउट हुआ और शॉर्ट्स एक्सपैंड होना चालू हुआ तो वहां पे या तो मैं सौदा काटूंगा या तो शॉर्ट बनाऊंगा। तो इस तरह से इस डेटा को बहुत सारे लोग यूज करते हैं स्कैल्पिंग करने के लिए। तो यही बिल्टअप का कंसेप्ट को हम स्कैल्पिंग पे भी लेकर के आ सकते हैं। तो मैं समराइज करता हूँ, ये एक ऐसा थ्योरी है बहुत समय से चलता आ रहा है और कंसिस्टेंट इनकम, मतलब आप बोल सकते हो 60-65% 70% इसका स्ट्राइक रेट लेके आप आना यही वीडियो देख करके पॉसिबल है। जिस बंदे ने ये वीडियो देखा दो बार देख लिया अगर ज़्यादा से ज़्यादा तो मुझे लगता है वो इजीली इसको घर पे जा करके 2 मिनट में कर पाएगा और वो गट फील पे ट्रेड नहीं कर रहा है, वो नेक्स्ट डे से डेटा ड्रिवन ट्रेडर बन चुका है और वो एक डिराइव डेटा के ऊपर मतलब पूरा डिसीजन ले रहा है और उसके हिसाब से जाकर के अपना सौदा करेगा। और सौदा क्या करेगा हम और वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर कि इसको भी और सौदे को कैसे हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सिंपल चीज़ है यूज़ करने के लिए हर रिटेल ट्रेडर को या जो HNIs भी हैं, मतलब मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए किया भी है और बड़े बड़े बुक साइज भी आप इस पर मैनेज कर सकते हो क्योंकि ये 2-5 मिनट का ट्रेड नहीं है, 3-10-15 दिन का सौदा है। बिल्टअप जिनके पास टाइम नहीं है घर अगर आप बाजार मार्केट आवर्स में, बहुत सारे लोग का जॉब है ड्यूरिंग द डे नहीं देख सकते हैं कि क्या करना चाहिए लेकिन ट्रेड करने की इच्छा है, आप आराम से रात को देखिए जो आपको स्टॉक मिला जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा मिला आप नेक्स्ट डे उसका सौदा बैठा के स्टॉप लॉस टारगेट डाल के छोड़ दीजिए। सिंपल टू एग्जीक्यूट। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं वो ले लूँ। एक क्वेश्चन यहाँ पे कुछ नहीं है, आई होप लोगों को समझ आ गया होगा बिकॉज बिल्टअप्स कई सारे लोगों को नहीं पता होता खासकर रिटेल में जो काम कर रहे हैं वो सोचते हैं कि इतना डीप जाने की क्या जरूरत है, बट दिस इज समथिंग कि अगर आप ट्रेड ले रहे हो और एक दिन पहले एनालिसिस कर रहे हो तो एक दिन पहले एनालिसिस आप खुद से कर सकते हो, अब वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, कोई टिप का पैसा देने की जरूरत नहीं है इसके ऊपर कभी डिटेल में बात करेंगे प्लस टिप्स में आजकल लोग काफी पैसा खो रहे हैं तो उसके ऊपर हम डिटेल में बात कर सकते हैं, बट यू कैन डू योर ओन एनालिसिस, दैट इज व्हाट वी विल सजेस्ट टू यू। सो द गुड थिंग अबाउट दिस इज कि व्हेन यू डू योर ओन एनालिसिस तो आप अपने नुकसान से किसी और को नहीं सिखाते हो, खुद को सिखाते हो राइट इसीलिए खुद का जो रिसर्च है वो खुद ही करना चाहिए। एब्सोल्युटली। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा और आपको लगा ये नॉलेज बहुत सारे लोगों के लिए वैल्यूएबल हो सकती है। ये हम कॉन्सेप्ट में कर रहे थे, सो कॉन्सेप्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, सो डू चेकआउट, आप साइन अप कर लीजिए। फाइनली आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।